नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जो देश खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता था, आज भारत में उसके बॉयकॉट की मांग उठ रही है। इस खबर से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि आखिर मालदीव्स बॉयकॉट तक बात कैसे पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरें तेजी से वायरल भी हुई, लोगों ने काफी पसंद भी किया। इस बीच मालदीव के कुछ मंत्रियों ने न सिर्फ भारत को नीचा दिखाने का काम किया, बल्कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां भी उन्होंने की। नतीजा यह निकला कि भारी निंदा के बाद मालदीव सरकार को अपने 3 मंत्री सस्पेंड करने पड़े। पीएम मोदी के दौरे से मालदीव को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन लक्षद्वीप पूरे फायदे में है। इसके साथ ही मालदीव जाने वाले भारतीय अब लक्षद्वीप को प्राथमिकता देंगे। कई बड़े सेलिब्रिटी भी अब लक्षद्वीप जाने का पक्ष ले रही है। साथ ही ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की मेक माई ट्रिप के फाउंडर ने दावा किया है कि अब लोग लक्षद्वीप को ज्यादा सर्च कर रही है। इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुकिंग कैंसिल होने की जानकारी दी है। निशांत पिट्टी ने लिखा, लक्षद्वीप पानी और समुद्र तट सेशल्स जितने अच्छे हैं, अपने राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस माय ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने इसे रिट्वीट किया। श्रीनिवास नाम के एक यूजर ने लिखा, राष्ट्र प्रथम, यह बदलते भारत का उदाहरण है, जब प्रत्येक भारतीय सबसे पहले राष्ट्र, फिर व्यवसाय और अंत में खुद को रखना सीख जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्र @ निशांत पट्टी, आपके निर्णय के लिए आपको साधुवाद। वहीं गीता रामानाथ नाम के यूजर ने लिखा, हैट्स ऑफ यूजर, जो भारत के लिए आपने स्टैंड लिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। राकेश कृष्ण सिम्हा नाम के एक यूजर ने एक्स पर रिप मालदीव टूरिज्म पर पोस्ट डाला, जिसे और भी यूजर ने रिट्वीट किया है। बॉयकॉट मालदीव के नाम से पोस्ट डाला गया, जिसमें रतन टाटा और पीएम मोदी की तस्वीर है। उसमें लिखा है, 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। अब बॉलीवुड के बड़े सितारे भी पीएम का सपोर्ट करते दिखे हैं। एक्स पर सलमान खान ने लिखा है कि अच्छा लगा देखकर कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी खूबसूरत बीचेस लक्षद्वीप पर हैं, और ये अच्छी बात है कि ये खूबसूरती हमारे देश इंडिया में है। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लिखा, मालदीव के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों द्वारा भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणियां की गई है। आश्चर्य है कि वे ऐसा उस देश में कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसे अकारण नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया और हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम हैशटैग भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें और अपने स्वयं के पर्यटन का समर्थन करें। जाहिर है, इस विवाद के बाद मालदीव को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसका असर काफी लंबे समय तक दिख सकता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।